आप लोग बोल बार बार बोल रहे थे ना, टकला बनाओ टकला बनाओ, सबका टकला बनाओ, तो लो आज हम अपना टकला बनवा रहे हैं। और आप लोग देखो, तुमको क्या करना है भाई, कहो फ्रेंड को मुझसे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित हेयर स्टाइलिस्ट में। तो हम लोग करने जा रहे हैं आज हेड शेव। जैसे कि आप लोग का बहुत डिमांड था कि डैडी का हेड शेव करो, डैडी का हेड शेव करेंगे, और डैडी का जो चैनल है डैडी बार्बर, उस पर भी आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था। तो अगर डैडी बार्बर चैनल पे अभी तक नहीं गए तो जल्दी जाओ, वहां पर भी जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो हेड शेव स्टार्ट करते हैं। हमने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो हेड शेव के लिए रेडी हुए हैं, तो आप लोग की फरमाइश की वजह से हम लोग हेड शेव करने जा रहे हैं। आप लोग देखो अभी इसको कैसा टकला बना रहे हैं। हम भी आप लोगों के डिमांड पे जो है आ गए कि भाई डिमांड कर रहे हैं, तो इनका तो जैसे कि अपना हमेशा टाइटल रहता है कि फोर्सेस हेड शेव, तो फोर्स करने के बाद ही वो रेडी हुए हैं हेड शेव कराने के लिए। तो चलिए हेड शेव स्टार्ट करते हैं। तो हेयर्स देख सकते हो काफी लॉन्ग है, और ये रखना है क्या? हाँ, शेंडी भी रखेंगे हम लोग छोटी। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मशीन से मार दो क्या, पूरा डायरेक्ट छेल देना, क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेयर्स को पूरा अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे पानी से, या फिर आप लोग फोम लगा के भी कर सकते हो। उसके बाद ही ब्लेड आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा। झड़ा था कि ना बरबर? निकल रहा। तो ये बोल रहे थे कि हेयर को शॉर्ट कर दो, लेकिन मैंने बोला कि हेयर शॉर्ट नहीं अच्छा लगेगा, हेड शो करो अच्छा रहेगा। अपने बाल भी झड़ रहा था थोड़ा। अपने सब्सक्राइबर का भी बहुत डिमांड था कि हेड शो कराओ, तो मैंने बोला चलो इसी बात पे भी हेड शो भी कर देते हैं, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका अच्छा खासा हेयर भी आ जाएगा। तो देख सकते हो कितना ज्यादा हेयर्स आ रहे हैं। तो आप लोग के डिमांड पे मैं ये हेड शेव कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम 10,000 लाइक तो चाहिए बस। मुझे पता नहीं, जैसे पिछली बार की वीडियो में आप लोगों ने 1,00,000 व्यूज दिया था, अभी वो 1.5 लाख व्यू हो गया, तो मुझे इस वीडियो पे भी 1,00,000 व्यू चाहिए। बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हारे डिमांड पे मैं कर रहा हूं सब। और अगर नहीं आया तो फिर समझ लेना नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो हेड शो के लाऊंगा नहीं। अभी हम लोग रेजर में ब्लेड लगाने जा रहे हैं, न्यू ब्लेड। सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। Thank you.
तो हमारा हेड शो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट लाइक मारो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सिर्फ वीडियोस देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको बस क्लिक करो, तभी मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस ला पाऊंगा। और नया चैनल जो है डैडी बार्बर, वो चैनल पे अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर वहां पे भी जल्दी से सब्सक्राइब करो, वहां पे भी अच्छे अच्छे हेड शेव के हेयर कट्स के वीडियो आते रहते हैं। तो जैसे कि हमारा टाइटल है फोर्सेस हेड शेव, तो काफी फोर्स करने के बाद रेडी हुए हैं। समझ कर रहा है? तो अभी हमने एक नया ब्लॉग चैनल भी लेके आए हैं जिसका नाम है रोहित हेयर स्टाइलिश ब्लॉग। अभी नया रिसेंटली चैनल ओपन हुआ है, तो आप लोग वहां पे भी जाके एक बार देख सकते हो वीडियोस। हेयर शो कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताना। कितना टाइम पे हेड शेव कर रहे हो? कितना टाइम हो गया? डेढ़ साल तो हो गया। हाँ, गाँव गए थे भी किए थे ना। और थोड़ा बाकी है, हम प्रॉपर तरीके से उसको पूरा क्लीन करेंगे पहले, और फिर एक बार हम वापस से रेजर चेंज करके और पूरा अच्छी तरीके से करेंगे। सामने देखना कैमरे पे,
बस हो गया। एक बार हेड शो कंप्लीट होने के बाद आप एक बार वापस करिए, और हेड शो अगर डैंड्रफ ज़्यादा है तो कपूर में कोकोनट ऑयल मिक्स करके और उसको लगाइए। 10 से 15 दिन आप लोग का डैंड्रफ पूरा क्लीन हो जाएगा, लेकिन हेड शो करने के बाद ही करिए। और हो सके तो हेड शो करने के 10 दिन बाद आप लोग वापस से एक बार हेड शो करिए, ताकि जो भी स्कैल्प पे बचे कुछ डैंड्रफ वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और ऑयल आप लोग को जिस तरह मैंने बताया कपूर में मिक्स करके वो आप लगाते रहिए, पूरा डैंड्रफ आप लोग का क्लीन हो जाएगा। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि कितने बार हेड शेव करना चाहिए, तो 10 से 15 दिन में कम से कम 3 बार करिए अगर ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चेंडी देखिए आप लोग काफी लंबा हो चुका है। एक बार हेड शेव करने के बाद 3 से 4 महीने लगते हैं बाल पूरे ग्रो होने में पहले की तरह। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फटाफट लाइक करो, और चैनल पे अगर नए हो व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे हेड शेव के वीडियो आने वाले हैं।
चोटी के बाजू में जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे उसको हम लोग निकाल रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर दो छेड़ा उसका। बंद कर दे आवाज, आवाज बंद ही कर दे, इसमें सब आ जाएगा। ठीक है देखो हेड शो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग पाउडर लगा के पूरा जो भी चिपके हुए बाल है निकाल रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे आफ्टर शेव लोशन। तो काफी बारीक बारीक पिंपल्स भी आ चुके थे जिसकी वजह से वो आफ्टर शेव लोशन से क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। आप लोग हेड शो करने के बाद फिटकरी भी लगा सकते हो। तो आप लोगों की यही डिमांड थी ना टकला बनवाने का, सबका टकला बनाते हैं अपना नहीं बनाते हैं, तो लो आज आप लोगों का डिमांड पूरा हो गया। बहुत बोल रहे थे ना। अपना भी चैनल बता दो। मालूम है उन लोगों को डैडी बार्बर। तो जो ये है आफ्टर शेव लोशन इसको हम लोग लगाएंगे। ये एंटीसेप्टिक है, थोड़ा जलता है। तो देखिए हमारा हेड शो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ बैक साइड में भी। देखिए बैक साइड में भी पूरा क्लीन कर दिया और ये फ्रंट का लुक। तो कमेंट्स करके बताना आप लोग को ये हेड शो कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। और जैसे कि मैं आप लोग के लिए नए नए हेड शो के वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसे आते रहेंगे। और डैडी का भी चैनल है डैडी बार्बर, उस चैनल पे अगर आप लोग ने विजिट नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल पे जाके विजिट करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो उस पे भी बहुत सारे हेयर कट्स के हेड शेव के वीडियो आते रहते हैं। और मेरा एक नया चैनल आया है रोहित हेयर स्टाइलिस्ट ब्लॉग, जिसमें हम लोग ब्लॉग वगैरह शूट करके डालते हैं। तो अगर अभी तक उस चैनल पे आप लोग ने विजिट नहीं किया तो वो चैनल पे भी आप लोग जा सकते हो। तो चलिए इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक किए बिना मत जाना। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमें लाइक्स अच्छे खासे चाहिए, जैसे कि आप लोग ने पिछले साल के वीडियो में किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।